हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एसटीडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। केंद्रीय पक्षी संस्थान कब और कहां स्थापित किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में 1979 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देसी मुर्गी का अंडा उत्पादन प्रति मुर्गी कितना है? तो 60 अंडे होता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण होता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडों के माध्यम से चूजों में कौन सी बीमारी फैलती है? तो ल्यूकोसिस फैलती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडों से चूजे कितने दिन में बनता है? तो 21 दिन में बनता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मशीन द्वारा अंडों की हैचरी की जाती है? तो इनक्यूबेटर द्वारा की जाती है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श मुर्गीशाला भूमि से कितना ऊंचा होना चाहिए? तो 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। मुर्गी खाने के पात्र को क्या कहते हैं? मुर्गी जिसमें खाना खाती है उस पात्र को क्या कहते हैं? तो उसे फीडर कहते हैं। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्गी कितने माह में अंडा देना प्रारंभ करती है? तो 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्गीशाला का फर्श कैसा होना चाहिए? तो पक्का होना चाहिए। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेयर चूजा किस आयु के होते हैं? तो 0 से 8 सप्ताह के चूजे लेयर चूजे कहते हैं। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटकुट पालन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आहार होती है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्गी के अंडे में सफ़ेदी का औसत प्रतिशत क्या है? तो 56% होता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवरण अंडे के कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 11% होता है। मुख्य कारक जो इनक्यूबेटर में हैचिंग प्रभावित करता है वह है? तो तापमान प्रभावित करता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्यूबेटर अंडे के लिए कौन सी अवस्थाएं प्रदान करता है? तो आर्द्रता एवं तापमान दोनों हो जाएगा। सीज करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों। कृत्रिम अंडा समय में अंडे की ट्रे को किस कोण पर घुमाया जाता है? तो सीज करेक्ट आंसर 45 डिग्री पर। अंडे का खोल उपचार की हानि की दर को कम कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ए इज करेक्ट आंसर। अंडा मुर्गी के शरीर से बाहर आने पर दूसरे ओव्यूलेशन में कितना समय लगता है? तो 20 से 30 मिनट। संग्रह किए गए वीर को कितने घंटे तक रखा जा सकता है? तो 4 से 6 घंटे तक रखा जा सकता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान का समय क्या होता है? तो शाम 2 बजे से 4 बजे के बीच। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालन ग्रहों के बीच कितना अंतर होना चाहिए ताकि रोगाणु से बचाव हो सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 से 10 मीटर। ब्रूडर्स ग्रह स्टार्टस चूजे के लिए है? तो 0 से 8 सप्ताह। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ग्रोवर के लिए पालन ग्रह कितने सप्ताह तक होना चाहिए? तो 8 से 18 दिन सप्ताह हो जाएगा। बीज करेक्ट आंसर। ब्रूडर पिंजरे के लिए फर्श का क्षेत्रफल प्रति पक्षी कितना होना चाहिए? तो 33 वर्ग इंच होना चाहिए। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रोवर प्रे के लिए फर्श का क्षेत्रफल होना चाहिए तो 45 वर्ग इंच होना चाहिए। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेयर अंडा देने वाली मुर्गी के पिंजरे के लिए फर्श का क्षेत्रफल प्रति पक्षी कितना होना चाहिए? तो 72 वर्ग इंच होना चाहिए। एज करेक्ट आंसर। अधिकतम अंडे देने के अंडे के उत्पादन के लिए प्रकाश अवस्था व्यवस्था कितने घंटे होना चाहिए? तो 14 से 16 घंटा प्रतिदिन। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीकाकरण किस समय करना चाहिए? तो प्रातः काल में करना चाहिए। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडों को कितने ताप क्रम पर भंडारण करना चाहिए? तो 55 से 60 डिग्री फारेनहाइट पर स्टोरेज करना चाहिए। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे को कितनी आपेक्षिक आर्द्रता पर भंडारण करना चाहिए? तो 65 से 70 प्रतिशत पर करना चाहिए। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडों में चूजों की संख्या में बहुत कमी होती है जल के कारण। एज करेक्ट आंसर। कुटकुटों की वृद्धि में कमी होती है तो प्रोटीन वसा कैल्शियम सभी के कारण होती है। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटकुटों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडों का कवच पतला होता है तो कैल्शियम की कमी से पतला हो जाता है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटकुटों में वृद्धि किसकी कमी से प्रभावित होती है? तो जल प्रोटीन वसा इन सभी के कारण होती है। तो डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटकुटों में भार की कमी होती है तो जल वसा प्रोटीन सभी के कारण होती है। डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकन मांस में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 21 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है चिकन मांस में। चिकन मांस में कितनी वसा पाई जाती है? तो 9 प्रतिशत पाई जाती है। चिकन मांस में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 3.5 प्रतिशत होती है। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? तो 13 प्रतिशत प्रोटीन होती है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे में वसा कितने प्रतिशत होती है? तो 10 प्रतिशत वसा अंडे में पाई जाती है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे में खनिज लवण कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 11 प्रतिशत पाए जाते हैं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडे में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 66% होती है, 66% होती है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुर्गियों में रानीखेत रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं के द्वारा होता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफेक्सिस कोराइजा रोग किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉक्स रोग मुर्गियों में किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु विषाणु के कारण होता है। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रूडर निमोनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह कवक के द्वारा फैलता है। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।